वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये लैक्मे के न्यू लॉन्चेस ब्लशेस है। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ले ली थी बट रिव्यू करना रह गया था, सो आज मैं फाइनली इसके रिव्यू कर रही हूँ। तीन शेड मैट में लॉन्च किए गए थे, सो मैंने तीनों शेड ले ली। सो ये वीडियो को पूरा देखना, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, मुझे पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ऑब्वियसली रोज गोल्ड कलर है तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। सो मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह ओपन होता है। ये शेड है प्रिटी पिंक, इसकी प्राइस है 500 रुपीज फॉर ब्लश। एंड ये कुछ ऐसे पैकिंग है इसकी, लैक्मे की हमेशा ऐसी पैकिंग ही होती है मोस्टली। एंड इसमें आपको एक ब्रश प्रोवाइड करते तो अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा कलर भी है, शेड काफ़ी अच्छा है इसका, कुछ डार्क पिंक। सो या आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत तो इसमें है ही, वेट थोड़ी बहुत तो आपको इसमें शिमर दिखेगी। मतलब कैमरे में तो नहीं दिख रही, पूरा मैट दिख रहा है, बट ये काफ़ी हार्ड है और मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो इसको लेके, क्योंकि ये लूज नहीं है, ये काफ़ी टाइट है इसका जो भी। एंड मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया। सो मैं आपको एक स्वच करके बता देती हूँ। ओके सो ये कुछ शेड है एंड काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, काफ़ी स्मूथ है ये, मतलब टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है इसका। एंड ब्लेंड कर दो तो लाइट तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, बट ये थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा। तो एकदम हल्का हल्का कलर लगाओ ताकि ये नेचुरल पिंक ग्लो दे आपके फेस को। सो नेक्स्ट मैं खोलती हूँ, अब देखती हूँ कैसा कलर है। सो दूसरा जो शेड है वो है न्यूड फ्लश। आई थिंक न्यूड मतलब बहुत ही अच्छी बात है, न्यूड की न्यूड सबको पसंद आता है। एंड आई थिंक उतनी शिमर नहीं है, थोड़ी बहुत तो शिमर है इसमें, पूरी तरीके से ये मैट नहीं है। मुझे ये बात बाद में जब इसको यूज़ करके पता चली, मेरी बहन बोली कि ये पूरी तरह मैट नहीं है, तब आई वॉज लाइक व्हाट द है। सो या इसकी पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हो, ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। सो इसका भी स्वच करके मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली ये न्यूड शेड है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक ही है। ये न्यूड शेड है, ये पिंक है और ये न्यूड, एंड ये न्यूड शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी स्किन पे भी। सो जो नेक्स्ट शेड है वो है कोरल पंच। ये जो शेड है मुझे डार्क न्यूड शेड जैसा लगता है, अच्छा शेड है ये भी, बट ये काफ़ी डार्क शेड है, थोड़ा रेडिश जैसा है। सो ये शेड कुछ ऐसा है, ये कोरल पंच है, ये न्यूड है एंड ये पिंक वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है। सो आप देख सकते हो तीनों तीन के स्वचेस मैंने आपको बता दी। टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है, प्राइसिंग वाइज ओके है। अगर ये क्लेम कर रहा है कि ये पूरी तरह मैटिफाई है तो इनको पूरा ही मैट देना चाहिए, मुझे थोड़ी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे ग्लिटर्स उतने पसंद नहीं है। जब भी अगर कोई मेकअप शूट करना हो, मेकअप वीडियो शूट करना हो, तभी मैं ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ। शिमर मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे हाइलाइटर भी उतना पसंद नहीं है, बट या जितना मैट है उतना अच्छा है, और मैट पर तो मैं एकदम पागल हूँ। तो प्राइसिंग तो 500 है, आपको पहले ही बता चुकी है ना, काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग भी ओवरऑल अच्छी है, बट अगर ये मैटिफाई होता तो पूरी तरीके से मैट होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये तीनों तीन शेड काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल,
and also click on that bell icon so you will get notified first. Till then, take care. Bye bye.